वेलकम टू ट्रेडिंग कोड 007। चलिए आज फटाक से बात कर लेता क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं। आज फर्स्ट हम लोग प्राइस एक्शन, आज के प्राइस एक्शन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो के बारे में बात करेंगे। 35 DI एक्टिविटी क्या बोल रहा है, देन ओपन इंटरेस्ट, देन ग्लोबल सेंटिमेंट, देन विल चेक द ओवरऑल स्कोर क्या हुआ। इसके ऊपर हम लोग ओवरऑल स्कोर डालेंगे, देन मेरा जो पोजिशन है एंड उसका कुछ एडजस्टमेंट होगा तो उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट हम लोग चार्ट में चला जाता, इस चार्ट है डेली चार्ट है, हम लोग 5 मिनट चार्ट में देखेंगे आज क्या हुआ है। आपको पता ही है यस्टरडे अमेरिका मार्केट में रिटेल सेल का पॉजिटिव डेटा आया था, जो एक्सपेक्टेशन था उससे भी ज़्यादा आया था, जिसके वजह से US मार्केट बहुत ज़्यादा तेज़ी हो गया था, इसका इम्पैक्ट हमारा इंडियन मार्केट में गिरा था। अभी इंडियन मार्केट में जो लोग वेट करेगा उसको अच्छा फायदा हुआ है, जो लोग वेट नहीं कर पाया उसने स्टॉप लॉस लेके निकल गया, नहीं तो अच्छा खासा लॉस भी कर सकते क्योंकि मार्केट रिवर्स मूड में है। इसीलिए इंटरडे ट्रेड करना अच्छा नहीं लगता मुझे, मैंने पोजिशन लेते थोड़ा टाइम देते मार्केट को, मार्केट कहाँ जा रहा है उसको देखने के बाद ही हम ट्रेड करते हैं। 1 आवर्स तक हम चेक करते हैं, 1 आवर्स का ब्रेकआउट के बाद ही हम कुछ करते हैं। अब देखिए आप इधर में 1 आवर्स तक वेट कर लेते तो अभी 1 आवर्स वेट करने से बाद आपको देखिए 10:09:15 से 10:15 हम 10:30 तक देख लेते हैं, तो इसके बाद देखिए कभी भी मार्केट क्लोज नहीं किया था और आवर्स के बाद ऐसे क्लोज नहीं है, 10:25 हुआ है, अभी ब्रेक भी नहीं कर पाया था। आप सोचो 1 आवर 10 बजे तक वेट करते हैं, 10:15 तक वेट करते हैं, उसको ब्रेक करके क्लोज करना था, उसके बाद फॉलो अप कैंडल आना था, नहीं आया, वेट कर गया, तो नेक्स्ट कैंडल इधर में क्लोज किया है, 2 बार क्लोज किया, इधर में लेता भी तो अच्छा खासा मूवमेंट मिल जाता, मार्केट आया था पोलैरिटी क्रिएट किया, इधर में आप देखिए अच्छा खासा पोलैरिटी मार्केट इधर क्रिएट किया, ऊपर गया फिर से नीचे आया, सब लोग सोचते थे इधर में आके मार्केट फंस जाएगा। ऑलरेडी हम भी लास्ट यस्टरडे बात किया था मार्केट में भी क्या करेगा, फंस सकता है मार्केट, एक ब्रेक में एक जोन में रह सकता है, बट मार्केट इसी जोन से निकलने के लिए कोशिश कर रहा है। एक अच्छा खासा मार्केट ने अच्छा खासा बॉक्स बनाया, मार्केट ये बॉक्स अच्छा खासा बॉक्स बनाए हैं मार्केट में, ये बॉक्स को ऑलरेडी निफ्टी ने ब्रेक कर लिया, बट बैंक निफ्टी अभी तक ब्रेक नहीं कर पाया, बैंक निफ्टी अभी भी ये बॉक्स में घूम रहा है 1 day 2 day 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 डे से। अभी इसमें ट्रेड करना बहुत ही आसान है, क्यों आसान है, नेक्स्ट डे सोचो कैंडल ऊपर जाके ब्रेक किया तभी ट्रेड नहीं करना है, तब अब लेते भी तो छोटा पोजीशन लेना पड़ेगा, उसके बाद मार्केट थोड़ा देर रिटेच करेगा, ये बॉक्स को रिटेच करके फिर से जब ब्रेकआउट देगा तब आप फुल पोजीशन बना सकते, तब आपको अच्छा खासा प्रॉफिट इतना तक दिख सकता है। तो ऐसे ऐसे ट्रेड करना पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ेगा, पेशेंस लगाना पड़ता है, उसके बाद ही आपको अच्छा खासा ट्रेड मिलता है। तो आप अभी हमको प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है, प्राइस एक्शन आप देखेंगे तो आपको प्राइस एक्शन जो बोल रहा है अभी ये बॉक्स को ब्रेक करेगा क्या नहीं वो देखना पड़ता है, बॉक्स को ब्रेक करेगा तो आपको थोड़ा वेट करना जरूरी है, एक स्मॉल पोजीशन आप बना सकते हैं विथ प्रॉपर हेज के साथ, बाई पोजीशन में जाएंगे तो आप 200-300 पॉइंट डिस्टेंस में बाई पोजीशन लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं, मतलब ATM बाई करके 300 पॉइंट डिस्टेंस में जाकर शॉर्ट करके हेज कर दीजिए, इसमें लॉस कम होगा, नेक्स्ट पोजीशन मत लीजिए इसी जगह पे। आप शॉर्ट पोजीशन बनाना चाहते हैं तो इसका नीचे आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, ये लेवल पे आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। अभी ये जो प्राइस एक्शन दिख रहा है इसको ऊपर जाके 2-3 दिन सस्टेन करेगा तो मार्केट ऑल टाइम हाई मारने के लिए रेडी हो जाएगा, क्योंकि मार्केट देखिए कभी भी ये 100 डे टच किया, देखिए आप इधर 100 डे टच करके फिर से ऊपर चले, इधर में बहुत ही क्लोज था 200 100 डे, ये जगह छोड़ के आप देखिए इधर 100 डे टच करके ऊपर गया, इधर भी 100 डे टच करके ऊपर गया, इधर भी 100 डे टच करके ऊपर गया, इधर भी 100 डे टच करके ऊपर गया, इधर तो ये जो बजट कैंडल था इसके लिए उसी दिन टच करके ऊपर जाके फिर से ऊपर चला गया, अभी फिर से आया है तो अपॉर्चुनिटी मिला है फिर से ऊपर जा सकते हैं मार्केट। एक हमारा फेवरेबल कंडीशन है, 1 2 3 4 5 6 टाइम मार्केट एक ही स्कैनिंग में रेडी कर रहा है, तो ये है प्राइस एक्शन। अभी हम नेक्स्ट डे देखेंगे मार्केट ऊपर जाके क्लोज करेगा क्या नहीं, क्लोज करेगा तो हम इधर में शॉर्ट कर सकते हैं, एक छोटा लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। अब ये वीकेंड हो गया, 2 दिन छुट्टी रहेगा मार्केट में, अभी ग्लोबल मार्केट का सेंटिमेंट भी अच्छा है, तो प्राइस एक्शन का हिसाब से आप देखें तो प्राइस एक्शन पॉजिटिव है। हम लोग सेक्टर के बारे में भी बात करेंगे तो ऑल सेक्टर पॉजिटिव,
yesterday IT sector was outperformed, today also IT sector is the highest performing sector. Other than that, all the sector is positive. अब देखिए मिड कैप स्मॉल कैप निफ्टी एवरीथिंग इज पॉजिटिव. मिड कैप स्मॉल कैप तो 2% तक रैली कर दिया है, तो सेक्टर वाइज भी पॉजिटिव है. मार्केट का सेंटीमेंट अभी चेंज हो गया, पॉजिटिव सेंटीमेंट में चला गया. अब एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखेंगे तो देखिए पूरा मार्केट पॉजिटिव भी है, थोड़ा बहुत नेगेटिव है, 1, 2, 3 नेगेटिव है, वो छोड़ के 47 स्टॉक इज अंडर पॉजिटिव टेरिटरी. बैंक निफ्टी 11 स्टॉक पॉजिटिव है, मिड कैप 189 पॉजिटिव है, तो मेजर स्टॉक पॉजिटिव में चला गया. 500 में तो 4 स्टॉक पॉजिटिव है, ओनली 86 स्टॉक नेगेटिव भी है. जो भी मेजर स्टॉक है, ऑल द स्टॉक इन पॉजिटिव टेरिटरी. सबसे अच्छा परफॉर्म किया है आपका आईटी स्टॉक, अच्छा परफॉर्म किया है. तो हम दो पॉइंट डिस्कस कर लिए. फर्स्ट पॉइंट, प्राइस एक्शन इज पॉजिटिव, सो पॉइंट नंबर 1 पॉइंट मिल गया. एडवांस डिक्लाइन में ऑल आर पॉजिटिव, सो एक पॉइंट और मिल गया. अभी हम लोग FIADI एक्टिविटी जाएंगे. FIADI एक्टिविटी देखने के लिए हम लोग सेंसिबल में आ गए, एनालिसिस में जाएंगे, FIADI एक्टिविटी देखेंगे. अब देखिए FII का जो एक्टिविटी है, निफ्टी पॉजिटिव है, तो निफ्टी का एक्टिविटी FII में निफ्टी का एक्टिविटी पॉजिटिव, तो मैं बुलिश दिख रहा है. निफ्टी बुलिश है, ओवरऑल बुलिश है, मीडियम बुलिश है, बैंक निफ्टी भी बुलिश है, क्योंकि पॉजिटिव चेंज दिख रहा है इसीलिए मीडियम बुलिश है. मिड कैप पूरा नेगेटिव हुआ है, तो थोड़ा बियरिश है, जिसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, बहुत ही थोड़ा है. ये भी थोड़ा है, इसको भी इग्नोर कर सकते हैं. इंडेक्स ऑप्शन में देखेंगे तो कॉल ऑप्शन पॉजिटिव है, बट पुट ऑप्शन में थोड़ा शॉर्ट भी हुआ, शॉर्ट कवर भी हुआ है, बट ओवरऑल देखे तो पॉजिटिव है, इसीलिए इसको इंडेसिव कैंडल दिखा रहा है, बट कॉल ऑप्शन पॉजिटिव. ऑल आर इन पॉजिटिव फॉर FII एक्टिविटी. एंड हम लोग प्रो एक्टिविटी में जाएंगे तो प्रो इज स्ट्रांगली बुलिश ऑल ऑप्शन. इंडेक्स फ्यूचर में थोड़ा चेंजेस हुआ है, शॉर्ट कवर हुआ, बट आप ऑप्शन देखेंगे तो कॉल पुट दोनों ही पॉजिटिव में दिख रहा है. अभी हमका सबसे इम्पोर्टेंट है क्लाइंट का डेटा. क्लाइंट अपोजिट कर रहा है, मतलब हमको एक कंफर्मेशन मिल रहा है जो मार्केट बुलिशनेस है. क्लाइंट है स्ट्रॉन्ग बियरिश जोन में खड़ा है क्लाइंट. अभी स्ट्रॉन्ग बियरिश जोन मतलब हम लोग FIADI पकड़ के चलेंगे तो हमारा मार्केट बुलिशनेस दिख रहा है, इसका एक कन्फर्मेशन है. क्लाइंट ऑलवेज फेल्ड, सो कन्फर्म है दैट वी आर इन ए सेफ जोन. FIDI जो कर रहा है FIN प्रो, उसी जोन पे हम लोग खड़ा है. अब देखें तो कैश मार्केट देखें तो FIDI एक्टिविटी देखेंगे तो इधर में हम लोग देख सकते हैं. ओवरऑल देखें तो अगस्त FII 2,323 करोड़ बाई किया है, नहीं दिस इज फ्यूचर ना, वी आर गोइंग टू द कैश मार्केट. दिस इज द कैश मार्केट. FII 767 करोड़ बाई किया. DII तो ऑलरेडी बाई कर रहा है. FII जो भी सेल कर रहा था लास्ट 3 डेज DII बाई कर रहा था, अभी FII भी बाई किया, DII तो बाई कर रहा है, तो स्ट्रॉन्ग बुलिश इधर में भी हमको दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस. एंड फ्यूचर मार्केट में देखेंगे तो फ्यूचर मार्केट में भी ओवरऑल बुलिश है, पॉजिटिव डेटा है, तो बुलिश दिख रहा है. एंड ऑप्शन मार्केट में देखेंगे तो ऑप्शन में भी कॉल में बुलिश है, पुट में भी बुलिश है मार्केट. तो ओवरऑल देखेंगे तो इसमें भी एक पॉइंट मिल गया FIADI एक्टिविटी में. ओपन इंटरेस्ट हम लोग देखेंगे. अभी ओपन इंटरेस्ट देखने के लिए सेंसिबल में चला गया, जबकि हमको ओपन इंटरेस्ट में जाना पड़ेगा. अभी ओपन इंटरेस्ट आप देखिए तो ओपन इंटरेस्ट चेंजेस है, वाई चेंज में आप देखेंगे तो कॉल राइटर भाग रहा है, इधर से 50,000 से भाग रहा है. मतलब क्यों भाग रहा है, तो कॉल राइटर जो भी शॉर्ट किया था वो लोग सोचा था कॉल 50,000 के ऊपर नहीं जाएगा, इसीलिए वो लोग उसको शॉर्ट कवर कर रहे हैं. ठीक है, शॉर्ट कवर किया, इसीलिए कॉल राइटर भाग गए, इधर से सब जगह से भाग रहा है. एंड स्ट्रॉन्ग पुट राइटर आ रहा है. पुट राइटर सोच रहा है जो इसका नीचे मार्केट नहीं आएगा, तो इसीलिए पुट राइटर
धमाकेदार पुट शॉट करते जा रहा है। अब देखिए पूरा पुट गिन 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 है, मतलब स्ट्रॉन्ग गुली से। इसीलिए जो भी पुट राइटर है, पुट राइटर स्ट्रांगली शॉर्ट कर रहा है। एंड कॉल राइटर उतना बड़ा कैंडल नहीं है, देखिए छोटा छोटा कैंडल है, बट कॉल पुट राइटर इधर से देखने के लिए लग रहा है पूरा ग्रीन ग्रीन है, मतलब स्ट्रांग बुलिशनेस है। टोटल ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट अभी भी कॉल राइटर है 50,500 में, अभी मार्केट चल रहा है 50,500, तो अभी भी कॉल राइटर है 50,500 में। बट अब देखे तो पूरा ग्रीन ज़्यादा है अगेंस्ट ऑफ द रेड, 50,500 क्रॉस करे तो मार्केट चला जाएगा 51,000 में। इधर स्ट्रॉन्ग बुलिश है 50,000 में, पुट राइटर हेवीली खड़ा है, इधर में भी अच्छा खासा है, उतना कम भी नहीं है पुट राइटर। तो इसमें दिख के रख रहा है ओपन इंटरेस्ट, हम लोग देखेंगे तो वाई ऑप्शन चेन का डेटा देखेंगे तो ये भी इधर में भी हमको एक पॉजिटिव सेंटिमेंट दिख रहा है। अभी ग्लोबल सेंटिमेंट जाए तो ग्लोबल सेंटिमेंट कल से पॉजिटिव था, आज भी अब देखेंगे तो ग्लोबल सेंटीमेंट देखे तो डाउ जोन्स जो दिख रहा है वो पॉजिटिव ट्रेड में है, स्ट्रांगली मार्केट ऊपर लेके गया। नीचे से अभी इमीडिएटली वो 8 डेज में, 7 to 8 डेज में 5 to 6% रिटर्न देखा, ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है। बट ये भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वन बाय वन मार्केट ग्रीन कैंडल दिखाना भी अच्छा नहीं है, पूरा वी शेप रिकवरी जैसा दिख रहा है, ऐसा गया ऐसे ऊपर चला गया, नीचे जैसा आया उस स्ट्रांगली ऊपर जाते हैं, ऐसा नहीं आना चाहिए मार्केट, कभी भी ऐसा आना चाहिए ड्रॉप हो रहा है उसके बाद ऊपर जाके ऐसा आना चाहिए मार्केट, ऐसा नीचे जाके ऊपर जाना मतलब वो अच्छा लगता नहीं है मार्केट के। बट अभी तो ग्लोबल सेंटीमेंट आप देखें तो ग्लोबल सेंटीमेंट बहुत ही अच्छा है, ऑल ग्लोबल मार्केट इज इन पॉजिटिव टेरिटरी, इमर्जिंग मार्केट इज ऑल्सो इन पॉजिटिव टेरिटरी, ग्लोबल मार्केट इज इन पॉजिटिव टेरिटरी। हमारा गिफ्ट निफ्टी भी पॉजिटिव टेरिटरी में है, आप देखिए गिफ्ट निफ्टी हमारा जो निफ्टी है, निफ्टी ऑलरेडी जो बकेट था जो बॉक्स था इस बॉक्स को क्रॉस करके ऊपर में क्लोज दे दिया, तो मे बी मार्केट गोइंग हायर टू द ऑल टाइम हाई जोन, ये ऑल टाइम हाई जोन के लिए रेडी हो गया। तो ग्लोबल सेंटिमेंट भी पॉजिटिव है, तो इसमें भी मार्केट 1 पॉइंट मिल गया। टोटल पॉइंट कितना मिला मार्केट का, टोटल 0.5 out of 5 मिल गया, 5 में 5 पॉइंट मिल गया। अभी मेरा पोजीशन क्या है, कल हम लोग डिस्कशन किए थे, मेरा जो पोजीशन था मैंने 100 रुपीज़ का रुपीज़ 100 का कॉल शॉर्ट किया था अगेंस्ट 300 पॉइंट डिस्टेंस हेज कर, ठीक है किया था। और एक पोजीशन बनाया था मैंने न्यूट्रल पोजीशन, बोथ एटीएम लॉन्ग करके पी साइड को मैंने 500 डिस्टेंस एज किया एंड सी साइड 300 डिस्टेंस एज किया, ठीक है ये मेरा पोजीशन था। अभी मैंने पोजीशन पूरा ऑपोजिट चला गया, बट ऑपोजिट जाने से मेरा डरने का नहीं है, इसीलिए हमको पोजीशन साइजिंग कंट्रोल में रहना, हमको पता था हमको कितना लॉस होने वाला है, मैंने कैसे इसको एडजस्ट करेंगे, और पहले पोजीशन के टाइमिंग मुझे मेरा माइंड में था, उसके लिए मैंने रेडी था। जब भी पोजीशन नीचे आए ऊपर गया, मैंने जब भी सुबह में नीचे आ गया था मैंने सोचा मेरा पोजीशन करेक्ट जगह में है, बट इससे भी अचानक मार्केट ऊपर चला गया, एकदम ऊपर चला गया, तो हम डे इन तक वेट किया। डे इन में जाके मैंने कैसे एडजस्ट किया, अभी ये जो भी 100 रुपीज़ का शॉर्ट किया था उसका इनसाइड 100 रुपीज़ में इसको जो भी प्रॉफिट हुआ था, मेरा जो हेज पोजीशन था एक तो लॉस हुआ था, मेरा सी जो शॉर्ट किया उसको तो लॉस हुआ, बट जो हेज 100 पॉइंट पर जो सी बाई किया था उसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट को बुक किया, बुक करके इनसाइड मैंने बाई कर लिया, तो मेरा लॉस लिमिट हो गया लॉस को। दैट मीन्स मैंने सोचो 50,000 का फॉर एग्जाम के लिए 50,000 सी हमने शॉर्ट किया था एंड 50,000 सी मैंने बाई किया,
अभी मैंने कैसे एडजस्ट किया, अभी इसका जो भी प्रॉफिट हुआ था वो प्रॉफिट को बुक कर ली एंड मैंने 49,900 को सी को बाई करके मैंने पोजीशन को जो भी लॉस था लॉस को लिमिट कर दिया, लॉस को ब्लॉक कर दिया। तो अभी जहाँ भी जाए मेरा लॉस बहुत कम हो जाएगा। इस क्यों किया था मैंने, इसीलिए कि अभी टाइम है मार्केट में, अभी सोचो मार्केट मेरा फिर से फेवर में भी आ गया, सी का फेवर में आया मेरा, तो ये लॉस लॉस ही जाएगा। तब हम फिर से पोजीशन को एडजस्ट करेंगे, इस पोजीशन को एडजस्ट करेंगे, बट ये लॉस को हम रिकवर करने के लिए दूसरा कुछ सोचेंगे। ये ऐसे लॉक कर दिया, मेरा जो भी लॉन्ग पोजीशन न्यूट्रल पोजीशन बना था वो पी साइड का जो पोजीशन था वो पोजीशन का जो 500 पॉइंट डिस्टेंस था उसको ऊपर लेके आ गया। लेके आके मैंने सामने में आके पुट को फिर से शॉर्ट कर दिया। दैट मीन्स जो 50,000 का पी हमने लॉन्ग किया था उसका अगेंस्ट में 49,500 का पी हमने शॉर्ट किया, वो पी शॉर्ट को बुक कर दिया, करके नियरेस्ट जोन में आके मैंने 59,900 का जोन में आके मैंने फिर से शॉर्ट कर दिया, वो भी डबल शॉर्ट कर दिया। ओके, ये डबल शॉर्ट किया, डबल शॉट किया विथ हेज, अपर हेज ऑफ 300 पॉइंट का हेज रहेगा, कुछ भी इधर उधर हो जाए तो मेरा सेफ रहेगा। 300 पॉइंट डिस्टेंस को बाई करके इसको सेव कर दिया। अभी देखो अभी हम क्या करेंगे, मार्केट और भी ऊपर जाएगा तो मैं इसका अंदर भी जा सकता हूँ। सोचो 50,000 पे शॉर्ट किया था, अभी हमने 50,200 में भी इनको जाकर शॉर्ट कर सकते। ये लॉन्ग है मेरा, ये पोजिशन लॉन्ग है, मैंने और ऊपर जाएगा तो मैंने एग्रेसिवली 50,200 में आ जाएंगे, क्योंकि लॉन्ग लॉस में है, लॉस को हम रिकवर करना चाह रहे हैं। क्योंकि इधर में मेरा डिस्टेंस कम है, इधर में मेरा प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होगा। सी साइड में मैंने 50,000 सी बाई किया तो इस साइड में 50,300 शॉर्ट किया, तो इसमें मेरा प्रॉफिट ज़्यादा नहीं है। तो इस लॉस को जितना छोटा करेंगे इधर में मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है। और एक कॉल का जो शॉर्ट किया था उसको तो हमने लॉक कर दिया, उसका अगेंस्ट में मैंने पी साइड में 100 रुपीज़ का पी शॉर्ट करके उसका भी 300 पॉइंट डिस्टेंस में बाई करके हेज किया, वो भी डबल लॉट किया। इधर एक लॉट शॉर्ट किया था पहले कॉल को, तो इसके अगेंस्ट में हमने दो लॉट पी साइड में शॉर्ट कर दिया। अभी देखो मार्केट अभी मेरा फेवर में जाएगा तो मैंने प्रॉफिट लॉस से प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अभी फिर से अगेंस्ट आ जाएगा, मेरा पोजिशन जो भी दो लॉट था इसका डबल था वो उसको न्यूट्रल कर देंगे, करके इसका सेम कर देंगे। अभी लॉन्ग पोजीशन कैसे एडजस्ट करेंगे वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, आज के लिए इतना ही है। तो मेरा पोजीशन एडजस्ट में भी हम आपको बता दिए, ग्लोबल सेंटीमेंट ऑल सेंटीमेंट के हिसाब से अभी मार्केट पॉजिटिव है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट डे क्या होने वाला है, फिर से मंडे को होगा, उसके पहले मैंने कल नहीं तो कल का ये वीडियो लॉन्च होगा, उसके बाद संडे को हम देखते कोई लर्निंग वीडियो लेके आएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू।